डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक बी बाय मल्टीपल यूलर फैक्टर. ओके, सो यू हैव डिस्कस समथिंग अबाउट आवर टॉपिक. नाउ डिस्कस द रेस्ट ऑफ दिस टॉपिक. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट डाइस गेम. सो अब हम एक डाइस गेम के बारे में पढ़ेंगे. सो लुक एट हियर, टू प्ले दिस गेम वी नीड टू डाइस. ओके, थ्रो टू डाइस टुगेदर. दो डाइस लाएंगे, जैसे लूडो खेलते हैं जो डाइस में. लुक एट हियर, ये डाइस लाएंगे, दो लाए डाइस. ओके, लाके कैसे खेलेंगे? थ्रो टू डाइस टुगेदर, ये तो दो डाइस को हम टुगेदर छोड़ देंगे. लूडो में क्या करते थे, एक ही छोड़ते थे, लेकिन यहाँ पे हम दो छोड़ेंगे. ओके, नाउ व्हाट हैपन, व्हाट आर द नंबर्स दैट टर्न ऑफ ऑन द फेस ऑन द डाइस, देन वी हैव टू लुक द नंबर्स. जो ऊपर में जो नंबर आता है वो नंबर को हम देखेंगे. देखने के बाद व्हाट टू डू, लेट्स गो टू द नेक्स्ट. मेक ए टू डिजिट नंबर यूजिंग देम, वो दोनों को यूज करके हम एक टू डिजिट नंबर बनाएंगे. ओके, कैसे बनाएंगे, मैं एग्जांपल अभी आपको दूंगा. इफ इट इज ए मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर रिटन नेक्स्ट टू द सर्कल, जो सर्कल में लिखा है जो नंबर से वो डिविजिबल है. देखिए 6, 4, 5, 7, ये नंबर को हमें देखना है. ओके, सो इफ इट इज ए मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर्स रिटन नेक्स्ट टू द सर्कल, यू कैन राइट इट इन दैट सर्कल. कैसे, वो सर्कल में हम लिखेंगे जो नंबर निकलेगा. देन इट इज योर फ्रेंड्स टर्न, उसके बाद आपका फ्रेंड खेलेंगे. देन द वन हु कैन राइट मोर नंबर्स इन 10 राउंड, 10 राउंड में जो ज़्यादा नंबर लिख पाएंगे, ही विल बी द विनर. ओके, 10 राउंड गेम होगा, 10 राउंड में जो ज़्यादा नंबर जिनके आएगा वो खेल में जीत जाएंगे. ओके, सो देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे होगा खेल. पहले आई हैव, अगर टू डाइसेस को आप फेंकेंगे कैसे होगा, इफ आई हैव थ्री एंड टू, लुक एट हियर, 3 and 2 ऑन माई डाइस, इफ आई मेक 23, इट इज नॉट द मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर्स. अगर 23 आएगा, इसके ऊपर देखो 1 आया है, 4 आया है, नहीं, सपोज इसके ऊपर 3 आएगा और इसके ऊपर 2 आएगा. ओके, ये 3 है, ये 2 है, तो भी हम नंबर जो बनाएंगे कैसे बनाएंगे, देखो 3, 2 से दो नंबर बन सकता है, एक तो 32, दूसरा 23, लेकिन हम बनाएंगे क्या, देखिए, सो आई विल मेक 32. ओके, 23 बनाएंगे तो 23 हो सकता है, 32 हो सकता है. अगर 23 में बनाऊंगा वो 23 होने से कोई नंबर से डिविजिबल नहीं होगा. ओके, 6, 4, 7, ओके लुक एट हियर, 6, 4, 7, 5 कोई भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा. अगर 32 में करूँ वो किसके साथ डिविजिबल हो जाएगा, 4 के साथ, एंड इट विल बी ए मल्टीपल ऑफ 4. व्हाई 32 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, बिकॉज 4 इज 32, सो 32 इज ए मल्टीपल ऑफ 8 एंड ऑल्सो 4. ओके, वेरी गुड. सो इस तरह से हम बनाएंगे. सपोज और एक नंबर आया, इस डाइस में कितना आएगा, 4, और इस डाइस में आएगा 5. ओके, सो अभी 4, 5, आप कैसे नंबर बनाएंगे, अगर 45 बनाएंगे तो फिर 45 किसका मल्टीपल है, कहिए, 5, 9, 45, सो 45 इज ए मल्टीपल ऑफ 5 एंड ऑल्सो 9. ओके, सो यहाँ पे अभी यहाँ पे हम किसे लिखेंगे, 5 की जगह 45 लिखेंगे. ओके, सिमिलरली देर आर सो मेनी नंबर विल कम, लुक एट हियर, 6 के जगह क्या 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 होगा, 4 के जगह क्या क्या होगा, देखिए
सिक्स की जगह आएंगे ट्वेल्व ट्वेंटी फोर, लुक एट हियर ट्वेल्व ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स फोर्टी टू, ये सब आएंगे सिक्स, क्योंकि ये सब सिक्स से डिविजिबल है। अगर हम सिक्स से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर जीरो आएगा। ओके सर, देखिए मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर यहाँ है, ट्वेंटी फोर को अगर मैं सिक्स से साथ डिवाइड करूँ, सिक्स फोर जो है ट्वेंटी फोर, आंसर इज रिमाइंडर इज जीरो। सो सिक्स इज डिविजिबल बाय ट्वेंटी फोर, सो ट्वेंटी फोर इज ए मल्टीपल ऑफ सिक्स, यू हैव टू रिमेंबर इट। देन सिमिलरली मल्टीपल ऑफ फाइव जो है हियर फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव थर्टी फाइव फोर्टी फाइव, एंड देन मल्टीपल्स ऑफ फोर ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी फोर थर्टी टू, देन सेवन मल्टीपल ऑफ सेवन इज फोर्टीन ट्वेंटी वन थर्टी फाइव एंड फोर्टी टू। ओके क्लियर, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट कॉमन मल्टीपल। सो व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन? कॉमन हम कैसे बोलेंगे? जो सबके पास होगा वो कॉमन होगा। जो थिंक ऑफ ए नंबर, इट इज ए मल्टीपल ऑफ थ्री, राइट इट इन द रेड सर्कल। सो देखिए कैसे कॉमन मल्टीपल हम लिखेंगे, मल्टीपल मल्टीपल तो आपको पता चल गया है, कॉमन मल्टीपल। ओके, जो मल्टीपल सबके पास है वो मल्टीपल को हम कॉमन मल्टीपल बोलेंगे। ओके सो देखो एक एक मल्टीपल है जो थ्री का भी हो सकते हैं, फाइव का भी हो सकते हैं। ओके सपोज फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक ए नंबर फिफ्टीन, सो फिफ्टीन इज ए मल्टीपल ऑफ थ्री और फाइव, फिफ्टीन इज ए मल्टीपल ऑफ थ्री एंड फाइव, बिकॉज थ्री इंटू फाइव इज इक्वल टू फिफ्टीन, सो फिफ्टीन इज ए मल्टीपल ऑफ बोथ थ्री एंड बोथ थ्री एंड फाइव। ओके सो कैसे लिखेंगे हम? यहाँ पे तो दो सर्कल है, थ्री का है फाइव का है, अगर फिफ्टीन को मैं इधर रख लिख दूँ वो क्या हो जाएगा? थ्री का भी मल्टीपल हुआ क्योंकि रेड सर्कल में रहा, फाइव का भी मल्टीपल हुआ ब्लू सर्कल में भी रहा। ओके सिमिलरली यू हैव टू राइट हियर, इफ इट इज ए मल्टीपल ऑफ फाइव देन राइट इट इन द ब्लू सर्कल, ब्लू सर्कल में हम देखेंगे। ओके सो लुक एट हियर, देर आर सो मेनी नंबर्स, सो लुक एट इट, हियर द मल्टीपल ऑफ थ्री एंड हियर द मल्टीपल ऑफ फाइव। ओके सो लुक एट हियर, थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन थर्टी थ्री, दीज आर द मल्टीपल ऑफ थ्री, एंड फिफ्टीन थर्टी फोर्टी फाइव आर द मल्टीपल ऑफ बोथ थ्री एंड फाइव, ये जो मिडिल में रहेंगे फिफ्टीन थर्टी फोर्टी फाइव आर द मल्टीपल ऑफ थ्री एंड मल्टीपल ऑफ फाइव। सो थ्री का भी वो मल्टीपल हो रहे हैं, फाइव का भी मल्टीपल हो रहे हैं, कौन? ये तीनों। तो इन तीनों को हम थ्री एंड फाइव का कौन सा मल्टीपल बोलेंगे? कॉमन बोलेंगे, क्योंकि कॉमन में रह रहे हैं ये थ्री का भी ये फाइव का भी, तो हम इसे कॉमन बोलेंगे। जैसे कि हम गेम में खेल रहे होंगे, अगर कोई एक बच्चा बच जा रहा है हम उसे कॉमन रख देते हैं, वो इस साइड भी खेलेगा उस साइड भी खेलेगा, ठीक है। सिमिलरली हम इसे कॉमन ले रहे हैं, सिमिलरली टू कट हियर फॉर इज द कॉमन मल्टीपल, राइट डाउन द कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल कौन कौन है? कौन कौन है? फिफ्टीन थर्टी एंड फोर्टी फाइव। ओके तो इन तीनों में भी हम और भी कुछ ढूंढना है, क्या ढूंढना है अभी बता रहा हूँ। व्हेयर डू आई राइट फिफ्टीन? इट इज द मल्टीपल ऑफ थ्री एंड फाइव, सो यू शुड राइट फिफ्टीन इन द मिडिल। ओके सो दैट इट कैन बी ए मल्टीपल ऑफ थ्री एंड मल्टीपल ऑफ फाइव। सो व्हिच इज द स्मॉलेस्ट अमंग द थ्री मल्टीपल? सो आई रिपीट इट, देयर आर थ्री कॉमन मल्टीपल, फिफ्टीन थर्टी फोर्टी फाइव। सो अगर मैं बोलूँ सबसे लोएस्ट कौन है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल
लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तीनों है 15, 30, 45। ओके कॉमन लोएस्ट कौन होगा, सबसे 15 होगा, और इसे हम शॉर्ट में भी बोल सकते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 15 है, समझ में आ गया। लोएस्ट से हम लाएंगे एल, कॉमन से लाएंगे सी, मल्टीपल से लाएंगे एम, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हुआ 15। और शॉर्ट में हम बोल सकते हैं 3 और 5 का एलसीएम कितना है 15 है। ओके 15 एलसीएम निकालना आपको आ गया, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इस तरह, जस्ट लाइक दिस, लुक एट हियर, राइट द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 7। 2 एंड 7 का कॉमन मल्टीपल कौन कौन होंगे, जो मल्टीपल 2 का भी होंगे 7 का भी होंगे। ओके तो शॉर्ट में ट्रिक में आप कैसे निकाल सकते हैं, आप टेबल याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि 2 के टेबल 2 1 2 2 2 4, सिमिलरली 7 1 7 7 2 14, ये टेबल याद करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा, ठीक है। सो कॉमन मल्टीपल कैसे करेंगे हम, देखिए 2 का निकालना है हम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, और 20, 22, 24, 26, 28 हो गया 2 का। अभी 7 का निकालिए, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28। ओके अभी आपको पता चल जाए होगा, देखिए कौन कॉमन आ रहा है, कौन कॉमन आ रहा है, देखिए कौन कॉमन आ रहा है, यहाँ पे देखो 14 और यहाँ पे 14 है, ओके और यहाँ पे 28 है, यहाँ पे भी 28 है। सो द कॉमन मल्टीपल बिटवीन 2 एंड 7 इज 14, 28। अगर ऐसे हम और भी मल्टीपल लेंगे और भी आएंगे, क्या क्या आएंगे, 14, 28, 42, 56 एंड 70। ओके सो अगर मैं अभी और एक क्वेश्चन आपको बोलूँगा, द कॉमन मल्टीपल आपको ये पता चल गया कि द कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 एंड 7 इज दिस एंड दिस 14, 28, 42, 56, 70। अगर मैं बोलूँगा द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, लोएस्ट का मतलब व्हाट यू मीन बाय लोएस्ट, सबसे कम, तो इन जो 5 नंबर है सबसे कम कौन है 14। ओके सो एल से लाएंगे, यहाँ से आया एल, यहाँ से गया सी, यहाँ से गया एम, क्या हो गया एलसीएम इज हाउ मच 14। ओके गुड, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, रिपीट द गेम बाय पुटिंग द मल्टीपल ऑफ 4, 6 एंड 5 इन ए द सर्कल। सो अभी हम क्या करेंगे, 4 का लेंगे, 6 का लेंगे, इधर 4 का रुको मैं लिख देता हूँ, सो लुक एट हियर, इधर हियर इज द 4, हियर इज द 6, हियर इज द 5। ओके ये तीनों को देखो 4, 5, 6। ओके तो दीज आर द मल्टीपल ऑफ 4, दीज आर द मल्टीपल ऑफ 6, दीज आर द मल्टीपल ऑफ 5 एंड लुक एट हियर देयर आर सम कॉमन मल्टीपल ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल 20 इज ए मल्टीपल ऑफ बोथ 4 एंड 5, क्यों, क्योंकि 20 इज इक्वल टू 4 इंटू 5। सो 20 किसका मल्टीपल हुआ, 4 का भी हुआ, 5 का भी हुआ, नहीं तो फिर हम 20 को कहाँ रखेंगे, 4, 5 के बीच में रखेंगे, जैसे कि 4 का भी हो पाएगा और 5 का भी हो पाएगा, तो फिर कहाँ रखेंगे, लुक एट हियर हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। आप भी कभी में ऐसे ही करेंगे, ओके देन कम टू 40 ऑल्सो दिस इज द मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5।
फोर फाइव का कैसे हो रहा है, 40 कैसे हुआ? देखिए 40 को अगर हम तोड़ेंगे क्या आ पाएंगे, 20 2 जो 40, फिर से 20 को तोड़िए, 4 × 5 × 2 हो रहे हैं। तो फिर अभी 40 किस किस का हुआ, 40 इज द मल्टीपल ऑफ 4, 5 एंड 2। तो हमें तो यहाँ पे क्या चाहिए, 4, 5 का 40 हो रहा है, तो 4, 5 के बीच में हम 40 रखते हैं। गुड, नाउ कम टू द पॉइंट 60। सो 60 इज जस्ट ए नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 4, 6 एंड 5, ये तीनों के द्वारा डिविजिबल है। कैसे 66 के साथ कैसे डिविजिबल हुए, बिकॉज 6 10 जार, देखो 6 को अगर हम तोड़ेंगे, तोड़ना सीखना चाहिए आपको, 6 को तोड़िए, 6 × 10, अभी फिर से 6 को भी तोड़ सकते हैं, 2 × 3 × 10 को भी, 2 × 5, ओके। अभी देखिए 60 किस किस का हुआ, 5 का हो गया, ओके। एंड अभी देखिए किसका हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। कैसे 4 का हुआ, अगर ये 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 4 हो गया, 4 × 3 × 5 हो गया, तो ये 4 का भी हो गया। अभी 5 का कैसे निकालो, 5 का तो है, 5 मल्टीप्लाई हुआ है इधर, ओके। सो 6 का कैसे हुआ, तो यहाँ पे पहले से हमें पता चल गया ये 6 का है, ओके। इसे तोड़ के आपको पता चल जाएगा कि ये किसका मल्टीपल है, ओके। जस्ट लाइक दिस यू हैव टू डू योर वर्क, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6, डिड यू राइट इन द ग्रीन पार्ट। सो 5, 6 का कौन हुआ, 5, 6 का कॉमन मल्टीपल कौन है, ये दोनों है, 30 एंड 90। सो व्हाट इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6 आर रिटन इन द ऑरेंज पार्ट, देखिए 4 एंड 6 का, 4 एंड 6 का 12, 24। देन इन हुईज कलर पार्ट डिड यू राइट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 5 एंड 6, देखिए कहाँ पर लिखे हम, इधर, किधर, दिस इज द कॉमन पार्ट ऑफ ऑल 3 नंबर्स। देन यू हैव टू डू पजल, लुक एट हियर, गो टू द बुक योर इमेज पार्ट, इट विल बी बेटर फॉर यू। नाउ टाइम टू डू पजल, पजल मतलब पजल में बहुत मजा आता है, ठीक है, हम और भी गेम खेलेंगे। सो लुक एट हियर, दैट इज टामारिंड सीड्स, ओके, जैसे इमली जो हम बोलते हैं, टामारिंड, ओके। सो सुनीता टूक सम टामारिंड और इमली सीड्स, कुछ इमली सीड्स बोला है, सो शी मेड ग्रुप ऑफ 5 विथ देम, ओके। कुछ सीड लाए, वो 5-5 कर जुगाड़ के रखे, कुछ सीड ऐसे कि ऐसे सीड्स, बहुत सारे सीड्स ले आए, क्या किए, लाने के बाद व्हाट इज नेक्स्ट, सी मेड ग्रुप ऑफ 5 विद देम, ऐसे 5-5 बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे बनाएंगे तो कितना सीड बच गया, 1 सीड बच गया, ओके। देन सी ट्राइड मेकिंग ग्रुप ऑफ 6 एंड द ग्रुप ऑफ 4, ईच टाइम वन सीड वॉज लेफ्ट ओवर, हमेशा क्या होता था, एक सीड रह जाता था, अगर वो 4-4 भी बनाए, ऐसे 4, 4, 4, फिर भी एक सीड बच जाता था, ओके। जितना भी है, कितना है हमें निकालना है, देन ईच टाइम, देन आफ्टर द ग्रुप ऑफ 6, 6-6 भी बनाए, तो एक सीड बच जा रहा है, तो कितने सीड उनके पास है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सीड्स दैट सुनीता हैड, ओके। सो हियर इज ए वर्ड दैट इज स्मॉलेस्ट, यू हैव टू मार्क दिस वर्ड्स, स्मॉलेस्ट है मतलब स्मॉलेस्ट मीन्स लोएस्ट, ओके, लोएस्ट मीन्स यहाँ पे एलसीएम में आंसर निकल सकता है, ठीक है। सो एलसीएम में कैसे निकलेगा,
देखिए लुक एट हियर, दिस इज द आंसर हियर. इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी सीन दैट द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 5 एंड 6. 4, 5, 6 का कॉमन मल्टीपल यहाँ क्या हुआ, 60. मतलब 60 से 4 भी डिविजिबल है, 5 भी डिविजिबल है, 6 भी डिविजिबल है. अगर 4, 4 हम रखेंगे भी कुछ नहीं बचेगा. अगर 60 लेंगे, 5, 5 लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 6, 6 लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा. अगर हम क्या लेना चाहिए, एक बचने के लिए एक सीट बचेगा, 60 लेंगे तो कोई भी सीट नहीं बचेगा. अगर 61 ले जाएंगे एक सीट बच जाएगा ना, 4, 4 करेंगे तो, 5, 5 करेंगे तो, और 6, 6 करेंगे. देखिए इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी हैव सीन दैट द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल और द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 5 एंड 6 इज 60. लेकिन 60 हम लेंगे नहीं लेंगे, क्योंकि 60 लेंगे तो वो सीट बचेगा नहीं. 4, 4 लेंगे तो कितने लाइन हो जाएगा बताइए मुझे. 4, 4 लेंगे सीट, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ऐसे कितने लाइन होगा, 15 लाइन होगा नहीं, क्योंकि 15, 4, 30, 60. फिर से अगर 5, 5 में करूँगा तो 60 सीट को कितना है, 12 लाइन हो जाएगा. 12 × 5 = 60. सिमिलरली अभी मैं 6, 6 करूँगा तो 6, 6 कितना लाइन होगा, 10 लाइन होगा. ठीक है, क्योंकि 10 × 6 इज इक्वल टू 60. लेकिन यहाँ पर बच नहीं रहा है तो फिर मैं कितना सीट लूँ, एक सीट को बचाने के लिए और एक सीट ले जाऊँ, और एक सीट ले जाऊँ तो एक सीट बच जाएगा, हो जाएगा हमारा 61 सीट्स. अगर हम 61 सीट लेंगे उसे हम 4, 4 सीट को लेकर ग्रुप बनाए, या 5, 5 सीट को लेकर ग्रुप बनाए, या 6, 6 सीट को लेकर ग्रुप बनाए, एट एनी कॉस्ट एक सीट बच जाएगा नहीं. वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट, मोर टैमराइड सीड्स, लुक एट हियर. ओके, इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट. नाउ मोर टैमराइड सीड्स, आई मीन इज अरेंजिंग 12 टैमराइंड सीड्स, इमली सीड्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट रेक्टेंगल. ओके, क्या बना रहे हैं वो, आई मीन रेक्टेंगल बना रहे हैं, हम भी बनाएंगे. ट्राई टू मेक मोर रेक्टेंगल्स लाइक दिस यूजिंग 12 टैमराइंड सीड्स. कितने टैमराइंड सीड्स, 12, ये आपको याद रखना है, 12 टैमराइंड सीड. आई रिपीट इट, हाउ मच टैमराइंड सीड्स, 12. हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन यू मेक, आप घर में ये कोशिश करेंगे, 12 टैमराइंड सीड्स या पत्थर, 12 सीड, छोटा छोटा पत्थर भी ले आके आप बना सकते हैं. टैमराइंड सीड अगर नहीं मिलेगा आपको तो भी वो कितने टाइप का रेक्टेंगल हो सकता है, हाउ मेनी डिफरेंट रेक्टेंगल कैन यू फॉर्म. ओके, सो लुक एट हियर, आई एम शोइंग द आंसर. ओके, देखिए कितना हो सकता है, कितना रेक्टेंगल हम बना सकते हैं. देखिए दिस इज वन टाइप ऑफ रेक्टेंगल. ओके, इट इज मेड अप ऑफ 12 सीड्स. ओके, सो देखिए ये भी एक रेक्टेंगल हुआ, और एक रेक्टेंगल भी हो सकता है. अगर 6, 6 लेके हम करेंगे, दो लाइन में हो गया, 12 सीड्स यूज एंड इट बिकम्स ए रेक्टेंगल. देन इफ यू अरेंज देम बाय 4, 4, 4, देन इट ऑल्सो बी ए रेक्टेंगल एंड द टोटल नंबर ऑफ सीड्स इज 12. Now next question is, if there is 15 tamarind seeds, 15 seeds लेंगे, you have rectangles of following sizes. अगर 15 लेंगे कितना हो जाएगा, हो सकता है आप बनाएंगे, पहले एक एक कर रखूँगा तो कितना हो जाएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ये हो गया एक rectangle. Okay. सो देन और भी एक रेक्टेंगल हो सकता है, अगर मैं 3, 3 कर रखूं यहाँ पे, 3 सीड को ऐसे रख दिया, फिर से
हो गया। अभी मुझे बताइए कितना टैमराइंड सीड्स है, 15 है, और दिस इज ए रेक्टेंगल, वी कैन फॉर्म टू रेक्टेंगल्स बाय यूजिंग 15 सीड्स। देन कॉलरिंग द ग्रिड, लुक एट हियर द इमेज ऑन योर बुक। In the grid here, a rectangle made up of 20 boxes is drawn. The width of this rectangle is 2 boxes. Okay, what is the length? So look at here. We have to do the question by seeing this picture. So how many boxes are there? Look at here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Matlab 10, phir se. ये 10, ये 10, 20 बॉक्सेस आर देयर। नाउ व्हाट टू डू हियर, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन वी हैव टू डू द वाइड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 बॉक्सेस। वाइड्थ कितना है 2 बॉक्स, तो लेंथ कितना होगा, अभी हमने काउंट किए कितना, 10 बॉक्स। कलर द रेक्टेंगल मेड अप ऑफ 20 बॉक्सेस इन सम अदर वे। ओके, सम अदर वे पे हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अगर चार चार लेंगे, फोर फोर कितने लाइन में हो जाएंगे, फाइव लाइन में हो जाएंगे ना, ए वन टू थ्री फोर फाइव, ज़्यादा हो गया। स्केल मैप यूज करके करेंगे, देखो ये भी हो गया है कि नहीं, 20 मैं दिखा सकता हूँ, हाथों में नहीं हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सो लुक एट हियर, ये भी देखो 20, ये भी 20, ये 20 कैसे हुआ, क्योंकि 4 5 20, यहाँ पे 4 लाइन है, यहाँ पे 5 लाइन है, 5 बॉक्सेस से, इधर कैसे 20 हुआ, 5 4 20, इधर 5 लाइन, इधर 4 लाइन, 4 बॉक्सेस। ओके क्लियर। नाउ व्हाट इज द लेंथ एंड द वाइड्थ ऑफ द रेक्टेंगल यू कलर्ड, कैसे कैसे हुआ, 5 × 4 हुआ, 20 × 1 हुआ। ओके, इन हाउ मेनी वेज कैन यू कलर ए रेक्टेंगल ऑफ 20 बॉक्सेस, 20 बॉक्सेस का कितने वे में हम कलर किए। सो कलर देम ऑल इन द ग्रिड एंड राइट द लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड विड्थ ऑफ ईच रेक्टेंगल यू हैव कलर। सो कैसे कैसे हुआ देखिए, 10 × 2, 20 × 2, 5 × 4, 20 × 2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 20 बॉक्सेस है, 20 और 20 × 2 ये गलत है। ओके, करेक्शन कर देता हूँ। सो 20 बॉक्सेस ना, तो इसलिए 10 × 2 20 बॉक्सेस, 5 × 4 20 बॉक्सेस। ओके, सो डू योर होमवर्क, विल डिस्कस मोर इन आवर नेक्स्ट वीडियो।